हेलो दोस्तों, वेलकम टू रायन होशन चैनल। आप देख रहे हो होशन टेक वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले रहिए खास बात, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे प्रेस करके कर दीजिए ऑल, ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कुछ जबरदस्त, ताजा, गर्मा गर्म, क्योंकि हमारा टिकटॉक वन में शामिल है मोटोरोला रेजर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो उससे चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। Supernova, brand new code hanging on my shoulders. I got what you need, I'm your main controller. So hop right in and don't take it slower. Get on up to my cloud. Ain't nobody here is taking us down. Hit 'em with Moto Razr 2019 East May Qualcomm Snapdragon 17 वाला चिपसेट, जो कि 2.2 GHz में रन करती है, और ये एक Android 5 बेस में है, अर्थात Android 9 बेस में है। इसमें 6GB की RAM और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ Corning Gorilla V3, जो कि हाई क्वालिटी 6.2 इंच का फुल OLED डिस्प्ले दे गई है। नीचे की तरह डिस्प्ले की मेटल बोर्ड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलते हैं। इन दिस डिवाइस कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल के रियर कैमरा दे गई है, और फ्रंट में दे गई है 5 मेगापिक्सल, जो कि वाकई मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आजकल के जमाने में क्या होती है दोस्तों, सभी फोन रियलमी शाओमी की तरह सभी फोन में डाल देते हैं 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, और फ्रंट में दे देती है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, वाकई खूब। तो दोस्तों, मोटोरोला रेजर ने इस बात की मैसेज हुई मेरे को तो डाल दिया है इसमें 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा, और फ्रंट में दे दिए 5 मेगापिक्सल विद फ्लैश के साथ। तभी मुझे कमी महसूस हुई, क्योंकि आजकल के जमाने में बहुत सारी चीजें वगैरह होती है जो कि सेल्फी वगैरह वगैरह जाती है। बट बात करें इस डिवाइस की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों हमें 25 से 10 एमएएच का एक छोटा बैटरी देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल के जमाने में सभी डिवाइस में 4000 या 5000 एमएएच का बिग बैटरी लाई आयोन का बैटरी डाल देती है, जो कि अच्छी बात है। और इसमें पबजी, कॉल ड्यूटी वगैरह कुछ भी खेल सकते हैं, ये मेरे ख्याल से नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस डिवाइस में जो 25 से 10 एमएएच का बैटरी देने वाला है वो एक छोटा बैटरी, जो कि पबजी वगैरह भी खेल लेती है, तो भी 5 या 5.5 घंटे की बाद में स्विच ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये डिवाइस की बात में बैटरी के बारे में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। और दोस्तों, खास बात ये है कि ये एक ई सिम वाला फोल्डेबल फोन है, क्योंकि इसमें कोई सिम ट्रे वगैरह भी कुछ भी नहीं दी गया है कि एक ए सिम वाला फोन है। सिर्फ इसमें 3G 4G दोनों ही वर्क कर देती है अच्छे से। तो फ्यूचर में कभी अपडेट आने वाला है कि इसकी तरफ से मोटोरोला के बारे में, तो दोस्तों हम जरूर बताएंगे आपको। रूमार्ट किया गया है 17 जनवरी 2020 में आने वाला है, आपको देखने को मिल सकता है 17 जनवरी 2020 में, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इसकी जो प्राइस होने वाला है वो है 1,09,000 के आसपास इंडियन रुपी में होगी, और मार्किंग रुपी में जो होगी $1,500 के आसपास होगी। तो दोस्तों, वीडियो देख के आप सभी को कैसे लगी ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और एक लाइक कर देना। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग सही सलामत से रहिए।